फ्रेंड्स, आज हम अलग-अलग तरह की सुइयां कौन-कौन से कपड़े में यूज करते हैं ये बताएंगे। सबसे पहले मैं 24 की बात करती हूँ। ये सुई लेदर के, रैगजीन के, ये बैग वगैरह सिलने के काम आती है। ये नॉर्मल फैक्ट्री वर्कर के लिए यूज होती है, हमारे घरों में इसका कोई यूज नहीं है। फिर उसके बाद 21 का नंबर आता है। 21 नंबर भी जीन्स और मोटे कपड़ों में जो लेडीजें गुदड़ी वगैरह सिलती हैं, बैग कपड़े के सिलती हैं और बैग के वो रैगजीन की पट्टियां लगाती हैं, उनके लिए पाइपिंग लगाती हैं, वो 21 नंबर यूज़ करती हैं। 18 नंबर वो घर में यूज़ करते हैं, मगर थोड़ा मोटा होता है उसका फैब्रिक। जैसे कि हल्का जो जीन्स होता है, कोट पैंट के लिए यूज़ करते हैं, सूटिंग शर्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। ये सुई फ्रेंड्स, ये भी हमारे यूज़ होती है, मगर थोड़ा कम ही यूज़ होती है। 16 नंबर की सुई डेली में यूज़ होने वाली सुई है। यह सुई जैसे कि कॉटन के कपड़े में, सिंथेटिक के कपड़े में और सूट सलवार, ब्लाउज सभी चीज़ों में यूज़ होती है, और लाइनिंग के सूटों में, सभी सभी ड्रेस मटेरियल किसी भी कपड़े में यूज़ होती है। 14 नंबर की सुई, इसका क्या है कि ये हौजरी के कपड़ों में और वेलवेट के कपड़े में, और थोड़ा मोटा जो नाइटी का, हौजरी का नाइट कपड़ा होता है उसमें यूज होती है। फिर 11 नंबर की सुई ये क्या होती है कि जैसे कि नेट के कपड़े में, ये देखिए फ्रेंड्स, जो बिल्कुल पतला होता है उसमें, और मलमल में, और इस टाइप का जो अस्तर का कुछ सिलना है उसमें हमको 11 नंबर की सुई यूज करनी होती है। और एक ये साटन का कपड़ा होता है फ्रेंड्स, इसके अंदर भी हमको 11 नंबर की सुई यूज़ करनी होती है, क्योंकि यह भी कटने वाला पीस होता है। सभी प्रकार की सुइयों के बारे में मैंने अच्छे से बता दिया है। सुई को घर में यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ 24 नंबर की सुई हमारे घर में डेली में यूज़ नहीं होती, बाकी नॉर्मल सुई 16 और 18 की सुई को हम डेली में यूज़ कर सकते हैं।